दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप सभी को डीडी फीड्स के आपको ओल्ड चैनल को लेकर आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट आई हुई है। उससे पहले आप सभी वीडियो में एंड तक बने रहें और साथ ही आप सभी के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि आप इतना लेट वीडियो प्रोवाइड क्यों कर रहे हैं। तो आपको बता दें वीडियो पे आप पहले जैसा रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहे हैं, इस वजह से आपको हम रेगुलर वीडियो सही से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो यार प्लीज़ पहले जैसा रिस्पॉन्स जरूर दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करेंगे जो आपके ओल्ड चैनल हैं, जैसे कि आपका सोनी पल हो गया, जी अनमोल हो गया और कलश रिश्ते हो गए, स्टार सब हो गया। ए ट्राई के नियम के अनुसार आपको डी डी फीडिस से रिमूव कर दिए गए थे, डी डी फीडिस पर आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में आप सभी को इनकी महसूस हो रही है, ऐसे में आप सभी के लिए एक अच्छी और गुड न्यूज़ आई हुई है। क्या गुड न्यूज़ है आपको बता दें, जो ये चैनल है इनको लेकर इनके कुछ सस्टर चैनल, मतलब कि इन्हीं नेटवर्क के कुछ सस्टर, और आपको बता दें ये सीएल ही कैटेगरी के चैनल हैं। आपको जैसे कि अभी हाल ही में स्टार सब 2 को भी लाइसेंस मिला है, कहीं ना कहीं ये सीएल का चैनल है और इस पर भी आपको स्टार नेटवर्क के जैसे कि स्टार सब जैसे ही आपको इस पर प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। तो ये आपको कहीं ना कहीं इस डीडी फीड्स पर आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये डीडी फीड्स के ग्राहकों को ही ज़्यादातर रखने के लिए ही बनाया जा रहा है। वहीं आपका कलश नेटवर्क का एक कलश नेस्ट के नाम से भी आपको काफ़ी समय पहले एक चैनल का ट्रेडमार्क जारी किया गया था, कुछ इस प्रकार से आपको इसका लोगो रहने वाला है। हालांकि अभी लोगो तो नहीं आया है, कुछ इस प्रकार से आपको बता दें कलर नेस्ट का ये लोगो अभी जो ट्रेडमार्क का लाइसेंस मिला है। तो आपको बता दें पहले इसकी जो अभी उम्मीद में नहीं आ रहा था कि लॉन्च होगा, लेकिन अब कुछ समय से न्यूज आ रही हैं कि ये लॉन्च किया जाने वाला है। और साथ ही आपको बता दें ये भी हिंदी धारावाहिक का चैनल रहने वाला है। वहीं आपको बता दें अभी जी नेटवर्क के द्वारा भी एक चैनल का अभी ट्रेडमार्क जारी किया गया है, जिसका नाम है आपका जी हम, इसके नाम से भी अभी ट्रेडमार्क जारी हुआ है। तो आपको बता दें कुछ इस प्रकार से, साथ ही इसका भी लाइसेंस मिल चुका है, साथ ही लोगों भी इसका लॉन्च कर दिया गया है। तो आपको बता दें इन तीन चैनलों के अभी ट्रेडमार्क जारी किए गए हैं। हालाँकि अभी सोनी नेटवर्क का कोई भी चैनल कैसा लोगो या ट्रेडमार्क जारी नहीं किया है। तो आपको बता दें इनसे ज़्यादातर उम्मीद लग रही है कि जो ब्रॉडकास्टर हैं वो उनके सस्टा चैनल लॉन्च करने जा रहे हैं और साथ ही उनके प्रोग्राम हैं वो इन चैनल पर प्रसारित करने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपको पता है कि जो मेन चैनल थे उनके डीटीएच के दबाव की वजह से डीडी फीड्स पर नहीं आ रहे हैं, तो इसी वजह से आप उनने एक तरीका निकाला होगा और इन चैनल को लॉन्च करके आपको डीडी फीड्स पर देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको बता दें कि लॉन्चिंग या कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आपको हमारे चैनल पर जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों जब भी ये चैनल लॉन्च होते हैं तो डीडी फीड्स के एमपीयू टू बॉक्स की ऑप्शन में पार्टिसिपेट करने की ज़्यादा उम्मीद लग रही है।